टॉपिक का हम लोग का क्या है, पेडिग्री एनालिसिस, है ना, पेडिग्री एनालिसिस। चलो ठीक है, देखो ये क्या चीज होता है पेडिग्री एनालिसिस, तुम लोग को पता होगा क्या होता है ये होता है रिकॉर्ड रखने वाला चीज, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करके हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा एंसेस्टर का जीनोटाइप क्या रहा होगा, ठीक है। अब क्यों, तो इसलिए ताकि हम लोग का ये पता चले कि आने वाले जेनरेशन में या फिर इस जेनरेशन में किस टाइप का डिजीज से इंडिविजुअल अफेक्टेड है। क्लियर। अब देखो अगर जीनोटाइप किसी का समझना हो तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है ना, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो हम तुम लोग को पहले ही बताए थे कि सारा का सारा खेल किसका है, जीन का है। क्लियर। और जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग का दोनों जगह पर, क्रोमोजोम में। मतलब अब क्रोमोजोम में दो पार्ट डिवाइड किए थे, एक था ऑटोजोम और एक था एलोजोम। क्लियर। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होगा वो कैसा होगा, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जब बात करते हैं तो क्रोमोजोम हमारा किस टाइप का, दो टाइप का है, एक है ऑटोजोम, है ना, क्या है, एक ऑटोजोम है और दूसरा हमारा क्या है, एलोजोम है, जिसको क्या बोल रहे थे, और सेक्स लिंक्ड। क्लियर। ये हमारा एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होने वाला है। अब बात ये करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ एक्सप्रेस कर रहा है ना। अगर ऑटोजोमल कैरेक्टर से आ रहा है कोई कैरेक्टर, इनहेरिट हो रहा है, तो कैसे, मतलब यहां पर फिर से दो दो टर्म में चेंज होगा क्या, ऑटोसोमल हमारा वो रिसेसिव कैरेक्टर हो सकता है या फिर हमारा क्या हो सकता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। क्लियर। जो भी कैरेक्टर इनहेरिट होगा तो क्या बात कर रहे थे कि एक ऑटोसोम है और एक एलोसोम है, सेक्स लिंक्ड होगा। अब ऑटोसोम में क्या है, एक रिसेसिव है और एक है डोमिनेंट। सेम चीज यहां पर भी चलेगा, क्या चीज, एक्स लिंक्ड है या फिर वाई लिंक्ड है। यहां पर भी क्या पता करो कि यहां पर क्या चीज, ऑटोसोम है या फिर सॉरी यहां पर भी रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना, क्या बात कर रहे थे, यहां पर भी क्या पता चल रहा है कि रिसेसिव हो सकता है या फिर डोमिनेंट हो सकता है, किसी के भी केस में ले तो, एक्स के साथ लें या फिर वाई के साथ लें। हम लोग Y को ऑलरेडी बता चुके हैं कि Y से ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था तो उस कैरेक्टर का नाम क्या चीज रख दिए थे हम लोग, Y से होलेंड्रिक, है ना, यही ना था, Y से क्या लिख दिए थे पहले ही, होलेंड्रिक, ठीक है। और ये बात पता था कि X क्रोमोसोम के वजह से Y दिखाई दे रहा है, वो कैसे, SRY जीन और TDF फैक्टर के थ्रू। क्लियर। तो अब हम लोग का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ गया, क्या चीज है कि ऑटोजोम होगा नहीं तो सेक्स लिंक्ड होगा, ऑटोजोम होगा तो किस टाइप का होगा, रेसेसिव होगा या फिर डोमिनेंट होगा, और सेक्स लिंक्ड होगा तो रेसेसिव होगा या फिर डोमिनेंट होगा। तो हमारा जो टोटल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस चलने वाला है पेडिग्री में वो क्या चलेगा, रेसेसिव डोमिनेंट, रेसेसिव डोमिनेंट और रेसेसिव डोमिनेंट, ये चार। ऑटोजोमल रेसेसिव होगा कोई कैरेक्टर या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा कोई कैरेक्टर। क्लियर। एक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा या फिर सेक्स लिंक, जब क्या बात करें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। हम लोग पता कर लिए हैं कि रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन जो हो रहा है, जो ट्रेट के थ्रू है ना, जो भी ट्रेट रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस में हो रहा है वो किसके थ्रू रेस्पॉन्सिबल है, मात्र ये चार जीनोटाइप के लिए, ठीक ना। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या हो रहा है, रेसेसिव हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, किसके साथ, ऑटोजोम के साथ और कभी एक्स लिंक के साथ, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम में। क्लियर। और हर एक इंडिविजुअल अफेक्टेड का एक स्पेसिफिक सिंबल दिया गया है इस जगह पर। क्लियर। अब तुम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूरा सिस्टम दे दिया रहेगा, इसके बाद यही चार में से कोई पूछेगा कि किस टाइप का है ये, ठीक है। तो उसका सिंपल तरीका है, दो तरीका है, एक है देखो, एक है कि हर एक जनरेशन में स्टडी करो जीनोटाइप। क्लियर। और दूसरा है हमारा ट्रिक, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा ट्रिक, कि तुरंत हम लोग कैसे काम किया जाए, क्योंकि और ट्रिक कब बनेगा, ट्रिक तब बनेगा जब औरों से अलग होगा वो चीज,
ठीक है। तो ये दो बात पे हम लोग बात करेंगे, इसके बाद खत्म करेंगे और सारा क्वेश्चन कर लेंगे इसके साथ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जितना होगा फिर यहाँ पे एंड हो करेंगे कहानी, ठीक है। चलो लिखो, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में लिखो, पेडिग्री एनालिसिस में लिखो, रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेड्स, ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेड्स फॉर फॉर टू और मोर जेनरेशन, फॉर टू और मोर जेनरेशन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और फैमिली ट्री। इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस का, है ना, तो ये इनहेरिटेंस जो हिस्ट्री बेसिकली पता कर रहे हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर का, क्लियर। तो जहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा उसका अलग नाम देंगे, उसको देंगे हम लोग प्रोबैंड, क्या दे देंगे प्रोबैंड। और अगर कैरेक्टर हमारा, अगर कैरेक्टर स्टार्ट जो करेगा वो क्या दो तरीके से हो सकता है, मदर भी कर सकती है या फिर फादर, मतलब क्या मेल कैरेक्टर शुरू कर सकता है या फिर फीमेल, है ना। तो इसमें फिर इसका नाम अलग देगा, क्या चीज बोलेंगे, इसमें बोलेंगे प्रोबोसिटा सीता, ठीक ना, सीता याद रखना लास्ट में। तो क्या ये फीमेल है कैरेक्टर है, प्रोबोसिता, और इसमें प्रोबोसिटस, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोबोसिता, ठीक है, और इसको याद कर लेना प्रोबोसिटस। पहले क्वेश्चन पूछता था कि अगर इनहेरिटेंस हो रहा है कैरेक्टर का तो सबसे पहले हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक ना, जो फर्स्ट अपीयर होगा जिसमें, क्लियर, फर्स्ट अपीयर जिसका कैरेक्टर का डिफेक्ट जो दिखेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रोबैंड, क्लियर। इसके बाद अगर फर्स्ट इफेक्टेड मेल रहा तो उसको क्या बोलेंगे प्रोसिटस, और अगर फीमेल रहा तो प्रोबोसिटा, ठीक है, प्रोबोसिटा ये भी है सिटस, ठीक है, समझ में आ गया ना बात। चलो ये लिख लो फिर, इनहेरिटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, क्लियर इतना बात। अब देखो कुछ पॉइंट को दिमाग में रखेंगे कि क्या क्या कंडीशन होने पे उसका जेनरेशन का जो जीनोटाइप है नेक्स्ट या फिर एक्सप्रेशन उसका क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन लिखना, पहला कंडीशन लिखो, इफ इफ अ डिजीज इज अब्सेंट इन पेरेंट्स, इफ अ डिजीज इज अब्सेंट इन पेरेंट्स, ठीक है, बट प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन, बट प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये क्या चीज हो जाएगा, सिंपल सी बात दार लिख देना, खाली अभी ऑटोसोमल मत लिखना, खाली लिख दो रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या है, ये है रिसेसिव डिसऑर्डर, आगे पता करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल है। दूसरा पॉइंट लिखो, डोमिनेंट ट्रेट नेवर स्किप जेनरेशन, क्लियर, डोमिनेंट ट्रेट नेवर स्किप जेनरेशन। अगर कोई भी इंडिविजुअल देखेंगे उस एनालिसिस में कि अगर कोई भी जेनरेशन स्किप नहीं किया गया है तो हम लोग को दिमाग में ले आना है क्या चीज है, वो डोमिनेंट है, क्लियर। थर्ड हमारा पॉइंट कर लो, व्हेन फादर ट्रांसफर, व्हेन फादर ट्रांसफर अ डिजीज टू हिज सन, फादर ट्रांसफर डिजीज टू हिज सन, इट इज ऑलवेज ऑटोसोमल। इसके बाद नेक्स्ट बोलना, व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन,
व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन बोथ आर अफेक्टेड बोथ आर अफेक्टेड, तो ये बोलेंगे हम लोग ये क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होगा। ये चार पॉइंट याद हो गया। क्या बोलेंगे कि अगर हमारा पेरेंट में उस डिजीज अफेक्टेड जो बोल रहे थे वो अब्सेंट है लेकिन चिल्ड्रेन में प्रेजेंट है, तो वो क्या क्या फॉलो कर रहा है पैटर्न रिसेसिव का, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोले कि अगर डोमिनेंट ट्रेट रहेगा तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करने वाला है। थर्ड बात ये था कि फादर से सन में जो भी डिजीज अफेक्टेड होगा है ना, ट्रांसफर होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऑटोजोमल। इसके बाद था कि पेरेंट्स और चिल्ड्रेन दोनों अगर अफेक्टेड दिख रहा है तो मैक्सिमम टाइम हमारा यूजुअली अगर बोलेंगे तो वो होता है डोमिनेंट ट्रेट। यूजुअली वर्ड जरूर यूज करना, जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट ही हो, लेकिन क्या बोलेंगे, यूजुअली डोमिनेंट ट्रेट होगा वो। क्लियर। अब सिंबल देख लेते हैं। सिंबल तुम लोग को पता होगा क्या, बताओ सिंबल अगर बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे, ये क्या है बता, बताते जाओ। ये है मेरा नॉर्मल मेल, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये होगी क्या, नॉर्मल फीमेल, क्लियर। ये सैडेड रहेगा तो क्या बोलेंगे, अफेक्टेड मेल, ठीक है। इसके बाद ये हो गया तो अफेक्टेड फीमेल, क्लियर। इसके बाद ये रहा क्या चीज, ये हो गया हम लोग का लाइन जो है, ये क्या है, मैरिज के लिए, क्या है ये, मैरिज, ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोग दोनों में देखें तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये बताओ ये क्या चीज का साइन है। हाँ, कॉन्टाजियस मैरिज, ठीक है। ये हो जाएगा मैरिज बिटवीन रिलेटेड रिलेटिव, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा क्या चीज, ये है क्या चीज, ये है हमारा ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये क्या है, ये है ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये बेसिकली इतना सारा होगा है ना, और भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन हम लोग फॉलो क्या करेंगे, इसको ज्यादा देखेंगे है ना। इसके बाद अपने आप वो सब पता चलते चला जाएगा, ठीक है। चलो अब कंडीशन लिख लो, समझना क्या, मिटा दे इसको। चलो कंडीशन लिखो, पहला कंडीशन लिखे ना, इसमें इसमें लिखो ऑटोजोमल डोमिनेंट में, ऑटोजोमल डोमिनेंट में इसमें लिखना स्किप जेनरेशन, एक पैटर्न है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये क्या करेगा, स्किप जेनरेशन दूसरा पॉइंट लिखो, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन, ठीक है। ये बात हो गया डोमिनेंट के केस में। बस दूसरा करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव में, एक पॉइंट लेना खाली, स्किप जेनरेशन ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रेन, हो गया। थर्ड है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसमें लिख लो, जीन ट्रांसफर फ्रॉम जीन
ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉम फादर टू सन, फ्रॉम फादर टू सन, इसके बाद होगा ऑल डॉटर्स आर, ऑल डॉटर्स ऑफ अनअफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखना एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, इसमें होगा मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मोर अफेक्टेड। इसके बाद जाएगा डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम, डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, फ्रॉम मदर टू सन एंड एंड फादर टू डॉटर, फादर टू डॉटर। क्लियर, डिजीज नेवर ट्रांसफर, इसमें एक स्टार मार्क लिखना, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। ठीक है, कितना बात हो गया क्लियर सारा कॉन्सेप्ट। अब एक ट्रिक करते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया। हम लोग बेसिकली हर एक स्टेप पे 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, हर एक स्टेप पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर अराइज होगा तो ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रेन एटलीस्ट क्या चाहिए होना चाहिए, एक अफेक्टेड पेरेंट। ठीक है, चलो करें पैटर्न, रुक जाओ मिटा दे इसको सब कुछ। पहला क्वेश्चन करो, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रेन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रेन हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट्स। क्लियर, अब कंडीशन क्या क्या हो सकता है, आंसर इसका क्या हो सकता है, एस में भी हो सकता है ना, या फिर नो में भी हो सकता है। क्लियर, अब कैसे पैटर्न आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारा आंसर एस हो गया, ठीक ना, तो तुरंत क्या चीज याद कर लोगे, यहां पर क्या होने वाला है, डोमिनेंट ट्रेट। अब जो भी हो, चाहे ऑटोसोमल हो, चाहे एक्स लिंक्ड हो, चाहे सेक्स लिंक्ड हो, क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। और अगर हमारा आंसर नो है तो क्या हो जाएगा, रिसेसिव, क्या हो जाएगा, रेसेसिव। अब अगर हमारा डोमिनेंट ट्रेट है तो फिर से एक और क्वेश्चन अराइज होगा, वो होगा ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर, ये भी चेक करना। इसमें फिर क्या चेक करोगे, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड, मतलब फीमेल जो है वो अफेक्टेड होगी या नहीं। ठीक है, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव, ठीक है, अफेक्टेड मदर और डॉटर, ठीक ना। यहां पर भी आंसर 2 तरीके से हो सकता है, एस में भी और नो में भी। अगर हमारा यहां आंसर एस हुआ तो क्या फॉलो करेगा, और अगर नो हुआ तो क्या फॉलो करेगा। अगर आंसर एस हुआ, ठीक ना, तो यहां पर जाएगा हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्या जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बस क्लियर। और अगर नो हुआ तो हमारा जाएगा एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ठीक है, अब है इधर, उधर करो फिर, ऑल अफेक्टेड यहां मेल किए थे, यहां पर करना ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा ऑल अफेक्टेड
फीमेल हैव अफेक्टेड फादर और क्या बोलेंगे, फादर और डॉटर सन। ठीक है, तो यहां पर फिर से क्वेश्चन अराइज हो गया, क्लियर। अब यहां पर भी दो आंसर मिल सकता है क्या, एक एस और दूसरा क्या मिल सकता है, नो। अगर एस हुआ तो यहां पर क्या चीज हो जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, और अगर नो हुआ तो जाएगा ऑटोजोमल, यहां डोमिनेंट हो जाएगा ऑटोजोमल रिसेसिव, इधर एक्स लिंक था, यहां पर क्या हो जाएगा ऑटोजोमल डोमिनेंट और यहां हो जाएगा ऑटोजोमल रिसेसिव, ये हो गया बात क्वेश्चन करते हैं, हो गया, क्या हो गया, समझे। पहला है कि ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रेन, देखना ध्यान देना, जितना भी अफेक्टेड चिल्ड्रेन होगा उसका पेरेंट अफेक्टेड है या नहीं है, क्लियर, दोनों कंडीशन हो सकता है। अगर नहीं होगा तो वो कैरेक्टर जाएगा रिसेसिव में, अब रिसेसिव है तो किस टाइप का रिसेसिव है, किस टाइप का है, मतलब क्या कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट रिसेसिव है या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आया, क्या चीज, कि ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर और सन, फिर फीमेल को देखेंगे कि फीमेल के केस में उसका पापा क्या अफेक्टेड है या फिर उसका बेटा क्या अफेक्टेड है, ठीक ना। फिर अगर हम यहाँ पर आंसर मिलेगा अगर नो तो वो हो जाएगा ऑटोजोमल रिसेसिव, अगर एस मिलेगा तो ऑटोजोमल डोमिनेंट, क्लियर। उसी तरह से अगर हमारा ये आंसर एस में जाएगा तो सबसे पहली बात पता चल गया हमारा क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्लियर। इसके बाद मेल से पूछेंगे कि ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर और डॉटर, ठीक ना, मेल को देखेंगे कि इसकी मम्मी क्या बीमार है या फिर इसकी बेटी बीमार है, तो वहां से पता चलेगा। अगर एस में आएगा आंसर तो क्या पता चलेगा कि एक्स लिंक डोमिनेंट है, अगर नो में आएगा आंसर तो क्या आंसर आएगा, एक्स लिंक रिसेसिव। अब देखो हम लोगों को बेसिकली क्या निकालना था, ये चार पैटर्न, ठीक है, जिसमें से अगर वर्ड यूज करते जेनेटिक्स तो क्या पता चलता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात हो रहा है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो जिस तरह से पढ़ा रहे थे क्रिस क्रॉस के बारे में, है ना। अब देखो यहां पर हम लोग को एटलीस्ट ये चार के बारे में मेनली जानना था, एक्स लिंक डोमिनेंट के बारे में, एक्स लिंक रिसेसिव के बारे में, ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में और एक ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में, क्या, क्यों, क्योंकि यही हमारा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पूरा का पूरा बताएगा, ठीक है। इतना बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार पढ़ लो तुम लोग जो अभी लिखवाए दोनों चीज, इसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं, पढ़ लो एक बार पीछे से जो लिखवा है, स्टेटमेंट खाली पढ़ लो, देखना स्टेटमेंट पढ़ लो कि सारा आंसर हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, दो फीमेल फिर है मेल नॉर्मल फीमेल अफेक्टेड, ठीक है, और फिर है वन टू थ्री और फिर एक मेल है वो भी अफेक्टेड, क्लियर। इसके बाद पता चला इसका शादी हुआ नॉर्मल मेल के साथ और यहाँ पर आ रहा है दो तरीके से, दोनों फीमेल में एक फीमेल अफेक्टेड है एक फीमेल नॉर्मल है, क्लियर, और ये फीमेल का शादी हुआ अफेक्टेड मेल के साथ, तो यहाँ पर क्या क्या रहा है बच्चा, तीनों डॉटर में एक डॉटर अफेक्टेड। चलो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है।
बताना इसका आंसर। दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, फीमेल मेल फिर से ऑटोसोमल रिसेसिव कर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहला कंडीशन ले लो, ये हो गया आपका ट्रेड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, फीमेल हो गई, मेल हो गया, मेल हो गया, इसके साथ ही करा दिया हमने नॉर्मल, यहाँ से बेबी प्रोड्यूस्ड हुआ। ये दो हो गया, आंसर बता दो। हो गया, चलो इसका आंसर बताओ। ये एक्स लिंक्ड है और ये भी क्या है, एक्स लिंक्ड है, हैं? बोलो। अच्छा ये ले बना, तो क्या आंसर आया बताओ, तुम्हारा आंसर आया एक्स लिंक्ड, चेक करो। और ध्यान देना, जो लिखवाए ना वो कोई भी जेनरेशन में अगर स्किप करा तो वो चेंज हो जाएगा, पूरा नो में ही जाएगा आंसर, ठीक है। अगर कोई एक भी इंडिविजुअल अगर पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो आंसर हमेशा क्या देना, नो, ठीक है। वो एप्लीकेबल होगा सारे के लिए, सारे को देखोगे इसके बाद पता चलेगा कि हाँ है या नहीं है। जैसे देखो ये बताते हैं, इसमें ये बच्चा क्वेश्चन क्या किया है, इसके लिए क्वेश्चन ये है कि इसका पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। इसका इसके लिए पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं है, इसके लिए आंसर आ गया क्या, इस चारों के लिए आंसर आ गया हमारा यस, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो यहां पर ये बच्चा फिर दूसरा आया, क्लियर। इसका एनी ऑफ द पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं है, है, क्लियर। इसके लिए भी क्या आया, यस, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी क्या देख रहे हैं कि यहां पर भी क्या आ रहा आंसर, यस, चलो यस आ गया, मतलब यहां पर क्या होने वाला है, डोमिनेंट ट्रेट, क्लियर। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, अब एक तो पता चल गया क्या है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। अब डोमिनेंट किस तरह से है, तो क्वेश्चन हम लोग किसे करें, मेल से करें या फीमेल से, किसी से भी कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो फीमेल से करते हैं, ठीक ना। फीमेल देख लो, फीमेल ज्यादा अफेक्टेड है, 1 2 3 4 है ना, फीमेल अफेक्टेड है, तो फीमेल से क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, फीमेल से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पापा बीमार हैं या फिर तुम्हारे बेटा बीमार है, ठीक है, इतना क्लियर, यही क्वेश्चन करना है ना। चलो फीमेल के पास आए, इसका पूछें तुम्हारे पापा, तो बोला हाँ यस मैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके पापा हुए, ठीक है, यस बोल दिया। चलो अब इसके बाद बोलेगा कि डॉटर, तो बोलेगा हाँ ऑब्वियस सी बात है, यस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे चले जाओ, क्लियर। अब यहाँ पर फीमेल से पूछोगे तो बोला हाँ यस, ठीक है, और डॉटर भी यस। अब हमारा डोमिनेंट निकल गया था, अब किस टाइप का है, यस आ गया, तो क्या हो गया आंसर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। चलो वेरी गुड, शाबाश, आंसर निकल गया ना, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं जब, तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पर बोलो, देखो इन चारों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पापा कोई बीमार है, तो बोलेगा या मम्मी बीमार है, तो बोलेगा हाँ है, ठीक है, ऐसा आ गया इसका आंसर, क्लियर। इसके बाद इससे पूछते हैं, क्लियर, तो क्या आंसर आया, देखो नो। अब क्या बोले थे, जैसे ही कोई भी अगर नहीं दिखेगा नो में आंसर, है ना, तो सारा का सारा पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा, उधर चला जाएगा। अब हम लोग को यहां से क्या पता चल गया, सिर्फ इसके जवाब से पूरा कंफर्म हो गया क्या है, ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, क्लियर।
अब हम लोग क्या पूछते हैं, मेल या फीमेल, किसी से भी ले लेते हैं, चलो फीमेल से पूछते हैं, फीमेल से पूछो क्या ये है, तो बोले नहीं। ठीक है, तो फिर से चला गया वहां पर उधर क्या चीज, ऑटोजोमल में। ठीक है, फिर से क्या चला गया, ऑटोजोमल में, तो आंसर तो आ गया, यही बता दी सारा, ऑटोजोमल रिसेसिव। चलो वेरी गुड, हो गया ना। कितना कितना टाइम लगेगा, दो तीन क्वेश्चन, बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। इस बार भले नहीं पूछा था, लेकिन पूछता तो है ना क्वेश्चन, ये 2020 में नहीं था क्वेश्चन पेडिग्री से। चलो कर दें, कर लोगे ये सारा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब है दूसरा, जैसे अगर क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सिंपल है। प्रीवियस ईयर का बुक लाए हो तुम लोग? नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मिटाते इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, चलो फीमेल अनअफेक्टेड, मेल अनअफेक्टेड, क्लियर। इसके बाद इसका चिल्ड्रेन के बारे में देखते हैं, तो इसका चिल्ड्रेन क्या हो रहा है, अगर फीमेल है, सॉरी मेल है, तो क्या है अनअफेक्टेड, और एक मेल है इसका अफेक्टेड, क्लियर। इसके बाद डॉटर अनअफेक्टेड, क्लियर, फिर है डॉटर अफेक्टेड, और फिर से एक और पैटर्न आया क्या, मेल अनअफेक्टेड, क्लियर। अब इसका डॉटर जो है, जो नॉर्मल डॉटर है, उसका शादी हो रहा है नॉर्मल मेल से, और फिर इसका ऑफस्प्रिंग देख लो, यहाँ पर एक अफेक्टेड हो रहा है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें करोगे, ये हो गया और ये हो गया, समझ रहे हो ना। देख लो, अगर डोमिनेंट आएगा तो हमेशा क्वेश्चन किसे करोगे, मेल से, है ना, और अगर रेसेसिव आया तो क्वेश्चन किसे करोगे, फीमेल से। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच, यही से क्वेश्चन करोगे, क्या एनी ऑफ द पेरेंट्स अफेक्टेड है, नो, तो क्या चला जाएगा, रेसेसिव। अब ये रेसेसिव किस टाइप का है, वो किसे पूछेंगे, फीमेल से, है ना। फीमेल से क्या पूछेंगे, क्या तुम्हारे पापा अफेक्टेड हैं या फिर तुम्हारे बेटा। देखो क्या अच्छी बात करेंगे, फीमेल से, कोई फीमेल से पूछ लेते हैं, ठीक ना। चलो अफेक्टेड फीमेल से पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या अफेक्टेड फीमेल से, है ना, अफेक्टेड फीमेल से है वर्ड, हाँ, ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव, है ना। चलो अफेक्टेड फीमेल से पूछते हैं, ठीक है। तो अफेक्टेड फीमेल्स का देखो, फादर नॉर्मल, क्लियर, और इसका बेटा के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या चल जाएगा, फिर से नो, तो क्या चीज हो जाएगा, रेसेसिव, क्या चीज हो गया, ऑटोजोमल रेसेसिव। चलो हो गया आंसर, लिखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते, ठीक है, चैप्टर तो खत्म हो गया। तुम लोग को वो जो दो पेज वाला आंसर जो बोल रहे थे ना, नोट्स, क्लियर, अगर किस जिसको चाहिए उसको बोलो, और नहीं चाहिए तो फिर बिना मतलब का कोई मतलब नहीं बनता है, चाहिए तो अभी देंगे, ठीक है। कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक ना, आठ को हम दे देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और देंगे तुम लोग दोनों को, या फिर कौन है पास आउट बैच में तुम लोग, है ना, सिर्फ 114 पेज में पूरा बायोलॉजी कवर किया हुआ है, ठीक है, और भी एनसीईआरटी को कैसे समराइज करते हुए, क्लियर। तो ये एक दो तीन चार जितना भी है, अगर जिसको अच्छा चलो यहाँ पे जितना लोग हैं सबको दे देंगे, ठीक ना, बस, और इसके बाद हम किसी को नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी तुम लोग जितना हो सके बना, क्वेश्चन का भी एक है, क्वेश्चन कैसे पैटर्न है, देखो एक क्वेश्चन है कि हर एक साल का क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड है, जैसे मान लो 2018 का क्वेश्चन है ना, 2018 का, तो 2018 का जितना भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना,
वो है मेरे पास, ठीक है, कैसे कैसे करके, तो उसका भी पीडीएफ है, उसको भी भेज देंगे या फिर ला करके ही दे देंगे तुम लोग को, किसी एक को दे देंगे, और तुम लोग को एक दुकान भी दिखा देंगे जहाँ से बोल दोगे कि जितेंद्र सर भेजे, बस सस्ता में ही कर देगा पूरा। चलो कर लो, क्वेश्चन कर लो, लिखो अब क्वेश्चन कर लो। हाँ, इफ वन पेरेंट बिलोंग्स टू, ठीक है, इफ वन पेरेंट्स बिलोंग टू ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप एंड द अदर टू वो ब्लड ग्रुप ठीक ना, बहुत इजी है। देयर चिल्ड्रेन पॉसिबली रिप्रेजेंट, क्लियर, देयर चिल्ड्रेन पॉसिबली रिप्रेजेंट, बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है वाला। हो गया, इसके बाद पेडिग्री का एक क्वेश्चन है, तो टाइम पास करने के लिए। द फॉलोइंग पेडिग्री, अगर यह है अफेक्टेड मेल मैरिज करेगा अफेक्टेड फीमेल के साथ, क्लियर, इसके बाद सारा का सारा अगर ऑफस्प्रिंग है इसका, तो यह है अफेक्टेड, क्लियर, ये भी है अफेक्टेड। अच्छा ये नॉर्मल है साइन, अच्छा ठीक है ठीक है, ये ना मिलाया हुआ पूरा प्रिंट आउट में ही दिक्कत, ठीक है, ये रहा नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, ये कलर जो है ना सेम दिख रहा है पूरा, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल, क्लियर। इसका अगर चिल्ड्रन देखते हैं तो पहला क्या है नॉर्मल मेल, सेकेंड चाइल्ड है अफेक्टेड मेल, थर्ड है डॉटर, ये है नॉर्मल फीमेल, फिर फोर्थ है डॉटर अफेक्टेड फीमेल, क्लियर, और फिर फिफ्थ है हमारा नॉर्मल मेल, क्लियर। इसके बाद क्या चीज हो रहा है कि इस नॉर्मल फीमेल का मैरिज, नॉर्मल फीमेल का मैरिज जो है वो है हमारा क्या चीज, नॉर्मल, नहीं सॉरी ये इसका बता दिया, ये वाला इसका कर दो नॉर्मल मेल के साथ, और यहाँ पर पैटर्न होगा क्या चीज, ये है अफेक्टेड मेल, ये है क्वेश्चन नॉर्मल फीमेल, और ये है नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अब क्वेश्चन है फॉलोइंग पेडिग्री सोज, ऑप्शन लिख लो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑप्शन लिख लो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा लिख लो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, थर्ड लिखो एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, और या फिर फोर्थ लिखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। हो गया, चलो हो गया आंसर, बोलो इसे क्या पूछेंगे, नहीं है किसमें चला जाएगा, इधर में चला जाएगा क्या चीज में, अगर नो रहेगा तो डोमिनेंट में या फिर रेसेसिव में जाएगा। अब रेसेसिव के बाद किसने पूछ रहे थे, अफेक्टेड फीमेल से, अफेक्टेड फीमेल यहाँ पर है ना, अफेक्टेड फीमेल का तो वो है ही नहीं कुछ कहानी, क्या हो जाएगा ऑटोसोमल रेसेसिव, मिल गया ना आंसर तुरंत, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, विच कैरियोटाइप रिप्रेजेंट मोनोजोमी, चलो ठीक है मोनोजोमी, इसमें क्या चीज हो जाएगा, देखो 2n+1 है, ऑप्शन लिख लो 2n+1, ठीक है, थर्ड है सेकेंड है 2n-2, थर्ड है 2n-1 और फोर्थ है 2n+2, बता 2n-1, और यही अगर ट्राइजोमी में बोलते तो क्या होता 2n+1, क्लियर। इसके बाद बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सुन लो
माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, दूसरा है सिकल सेल एनेमिया, थर्ड है हीमोफीलिया और एक है फिनाइल किटोनेरिया। बताओ। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, क्लियर, देख रहे हो। नेक्स्ट करना फिर बता। चलो वेरी गुड, शाबाश। हमको लग रहा था बहुत कम लोग पढ़ रहे आजकल। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन क्वेश्चन बोल रहे थे अभी हम बोल रहे थे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरिक, अरे वो तो क्वेश्चन नीचे चला गया। अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक ना, क्लियर। ऑप्शन है हमारा हीमोफीलिया, माइटोनिक डिस्ट्रोफी, सिकल सेल एनेमिया और थर्ड है फिनाइल किटोनोरिया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। हाँ ये बताओ, इन ह्यूमन बींग्स द कलर ऑफ स्किन इज कंट्रोल्ड बाय। अब यही सब क्वेश्चन पूछना है बच्चे लोग, बोलो। पर ऑप्शन चाहिए, देखो ये गलत बात है, भगवान क्वेश्चन के लिए ऑप्शन चाहिए होता है। ऑप्शन तो ढूंढना ही मत, ऑप्शन क्या, पहले आंसर पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछिए, इस टाइप का होना चाहिए ना पढ़ाई। क्या होगा, स्किन कलर कंट्रोल करता है कैसे बता। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था ना। चलो नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन है, करो स्टडी द पेडिग्री चार्ट, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ सर्टेन फैमिली ऑफ अ सर्टेन फैमिली गिवेन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट, ये स्टेटमेंट पर सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फॉर द कैरेक्टर। पहला है फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, यह है 2010 का क्वेश्चन। पेरेंट्स कुड नॉट हैव had a normal daughter for this character, third option, the trait under study could not be color blindness और फोर्थ ऑप्शन कर लो, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। चलो बताओ, उसी से आंसर निकल जाएगा, कोई हड़बड़ाने वाला बात है ही नहीं, खाली पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। डोमिनेंट होगा अगर, देखो एक बात बता, कंडीशन जब हमारा चार था ना, अगर चार को अगर हम लोग जीनोटाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्या क्या कंडीशन था, एक था ऑटोजोम मतलब एक रेसेसिव था, है ना, और एक था डोमिनेंट, क्लियर। अब देखो रेसेसिव अगर अपीयर हो रहा है, मतलब अगर रेसेसिव कैरेक्टर जो है हमारा मान लो, तो क्या होगा, रेसेसिव कैरेक्टर हमारा जो है वो क्या हो, सप्रेस कैरेक्टर है ना, और ये क्या है हमारा, एक्सप्रेस वाला कैरेक्टर है, क्लियर, बात समझ में आ रहा ना, है ना। अब देखो अगर रेसेसिव कैरेक्टर सिंगल फॉर्म में, देखो ये रहा हमारा रेसेसिव कैरेक्टर, इतना बात क्लियर, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है हमारा, ये हो सकता है अदरवाइज ये हो सकता है, ठीक है। अब अगर रेसेसिवली वो अफेक्टेड है, मतलब साफ सी बात है ये होमोजागस कंडीशन होगा तब, है ना,
और नहीं तो क्या होता, नहीं तो इसमें भी ये कैरेक्टर हो रहा है, क्लियर, और इसमें भी यही कैरेक्टर हो रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। कि ना छोटा सा पॉइंट है बस, खाली ये ध्यान देना कि ये जो कैरेक्टर आ रहा है ना डबल ए, जिससे इतना आसानी से जो लिख दिए हैं, वो दो डिफरेंट पेरेंट का है, ये समझ रहे हो ना बात को, ये दो डिफरेंट पेरेंट का है और इसके बाद एक्सप्रेस करा ये कैरेक्टर, ठीक है। तो ध्यान क्या चीज देना है तुमको कि ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कौन कर रहा है, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर इधर जा रहा था ना, क्लियर। अब रेसेसिव कैरेक्टर हमारा एक्स लिंक्ड होगा या फिर ऑटोसोमल होगा, वो फिर किससे पता चल रहा था, फीमेल पे। अगर फीमेल अफेक्टेड हो रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है ये कैरेक्टर आ रहा है, समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है ना, बात समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर मेल अफेक्टेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑलरेडी हेट्रोगैमेट है पहले से ही, और सिंगल फॉर्म में है ये, तब ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तब ये इफेक्ट होगा, देख रहे हो, क्योंकि सिंगल फॉर्म में है ना। अगर हमारा क्या बोलते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ टू कैरेक्टर द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस, क्लियर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि ऑटोसोमल मतलब ये कैरेक्टर दो हेट्रोगैमेट प्रेजेंट होने की वजह से भी मैं भी ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब यहां पर ये स्मॉल ए डोमिनेंट है तभी तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, अदरवाइज क्या करता, सप्रेस कर जाता, क्या हो जाता, रेसेसिव हो जाता, ठीक है बात, समझ रहे ना बात। अब यहां से क्वेश्चन पूछो इस इन लोगों से, ठीक है, क्या चीज आ गया, एस आ गया, मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया ये चीज, ठीक है। अब डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर क्या है, सेक्स लिंक्ड है, तो फिर किसे पूछेंगे, मेल से, है ना, मेल से। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उसका मेल का, देखो मेल का अगर बात करेंगे तो इसका कोई ये है ना अफेक्टेड मेल, क्लियर, इसका नेक्स्ट जनरेशन तो दिया है नहीं, क्या चीज देखना था, इसका माँ को देखना था, क्या अफेक्टेड है या नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो क्या चीज हो गया आंसर, नो, है ना, तो क्या जा रहा था ऑटोसोमल, सॉरी यहाँ पे क्या जा रहा था, तो हो जाएगा है ना, इधर जा रहा था नो, तो क्या चीज हो रहा था, ऑटोसोमल जा रहा था, नो मेट से ऑटोसोमल, और एस में जा रहा था एक्स लिंक, बात समझा। अफेक्टेड मेल से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या तुम्हारी माँ बीमार है या फिर तुम्हारी डॉटर, ठीक है, तो डॉटर का केस तो इसको पता है नहीं, क्लियर। अब इसका आंसर आया नो, अब जैसे ही इसका आंसर नो आएगा तो किधर जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में, क्लियर, समझ रहे ना बात को। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस कहाँ है, देखो फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, देखो डोमिनेंट कब होगा इस केस में, मतलब यहां पर हो रहा है ना, फीमेल पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये वाला जो कंडीशन है अगर हमारा, तो यहां पर भी वो एक्सप्रेस कर रहा है, कर रहा है ना, क्लियर, तभी तो ये डोमिनेंट हो गया। अगर इसको अगर रेसेसिव कैरेक्टर आता तो दोनों को प्रेजेंट होता तब दिखता, बात समझ रहे हो ना, क्लियर। जैसे ये किसका कैरेक्टर आ गया, ये आ गया ऑटोसोमल प्लस एक्स, एक्स हो गया एक पैटर्न, ये हो गया, और एक है ए प्लस एक्स वाई, क्लियर। यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है, तभी तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ, समझ आया ना बात, ये है डोमिनेंट, क्लियर। अगर रेसेसिव होता तो इसको होने के लिए दोनों पे ये प्रेजेंट होना चाहिए था, हमारा क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब देखो यहां पर एक कंडीशन मैच कर रहा है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, पेरेंट्स कुड नॉट हेयर हैड अ नॉर्मल डॉटर, देखो इसका नॉर्मल डॉटर क्या होगा, हो सकता है कि नहीं, करा है इसका, देखो अगर इसका कंडीशन ले लेते हैं कलर ब्लाइंड का, ये ले लिए, ठीक है। अब नॉर्मल फीमेल में ये तो सिर्फ यही देगा ना, है, और अगर इसकी फीमेल जो है अगर जिसके साथ ये शादी होगा नॉर्मल रहा, तो वहां से अगर ये जीनोटाइप आए तो नॉर्मल हुई कि नहीं, कैरियर अगर है तो ये नॉर्मल हो गई, दूसरा तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। थर्ड है ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, कहे नहीं, ये हो सकती है क्या, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। अब रहा मेल, फीमेल तो इससे कभी अफेक्टेड होगी नहीं, इतना बात तो तय है। अब रहा मेल, तो मेल में तो इसका औकात है वाई देने का, एक्स देने का तो है नहीं, ठीक है, तो बात वहां पर भी, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड है मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर ये कंडीशन होता सर तो ये पे तो वहां पर भी अफेक्टेड होता सेकेंड जनरेशन में भी, जो सन इसका अफेक्टेड नहीं हो रहा था, ठीक है, तो बात समझ आ गया ना। तो क्या हो गया आंसर हमारा, फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, ये 2010 का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, चलो बता देना। जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट
शोविंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है बस बता दो अब, टेस्ट क्रॉस, ठीक है क्लियर। जीनोटाइप को हम लोग स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट क्रॉस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन, व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स और लाइंस आर क्रॉस्ड, क्लियर, द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट, मतलब क्या चीज, हाइब्रिड हो गया ये कंडीशन, क्लियर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, स्प्लाइसिंग और हेट्रोसिस। स्प्लाइसिंग क्या चीज होता है, ये वर्ड रहा स्प्लाइसिंग, क्या होता है ये, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक थोड़ा क्लू दे दें, यह है इंट्रॉन और एक्सॉन के बाद पे, हाँ बात हो गया क्लियर है ना, क्या चीज था वहां पे, ट्रिप्टोफैन वाला कॉन्सेप्ट पे लेके आ जाओ, समझ रहे हो ना बात। तो ये क्या चीज होगा, स्प्लाइसिंग क्या चीज था, एक्सॉन एंड इंट्रॉन का सब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन है ना, वहां पर क्या चीज हो जाएगा, उस टर्म को यूज करेंगे हम लोग स्प्लाइसिंग। और ये कब हो रहा था, देख रहे थे ये पूरा स्टेटमेंट, जब ओरी का जो साइट हो रहा था यहाँ पर जो चेंज हो रहा था ट्रिप्टोफेन आ करके है ना, तो ये पूरा कंडीशन चेंज आ रहा था। एक्सॉन और इंट्रॉन क्या चीज होता है दोनों बताए, एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होता है, हाँ वो तो बेसिकली वही चीज हो गया, ठीक है मतलब। और वो एक चीज और पे डिपेंड करता है, सेगमेंटेशन पे उसका, क्या बात कर रहे थे कि यहां से इधर कोडन हुआ, अगर यहां से इधर कोडन नहीं हुआ तो इस जगह को और इस जगह को क्या बोलते हैं बता, ट्रांसलेशन में इस जगह को हम लोग यूटिलाइज कर दिए 5-3, ठीक है क्लियर। अब हम लोग को यहां पर आ गया क्या चीज, टर्मिनेस नॉनसेंस कोडन, क्लियर नॉनसेंस कोडन आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो गया। अब बोल रहे हैं कि इधर से यहां तो यूटिलाइज किए तुम, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, ठीक है। तो यहां से इधर जो बच गया और यहां से इधर जो बच गया, जिसका क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे सारा खेला इसी का है, कोडन पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा, इस जगह को क्या बोलते हैं बोलो, नॉन सबस अनट्रांसलेटेड रीजन, या फिर ठीक ना अनट्रांसलेटेड रीजन UTR बोलते हैं, ठीक है चलो रहने दो इसको, समझ में आ गया। स्प्लाइसिंग, अब आंसर क्या चीज होगा इसका बता, चलो यार एक अच्छा क्वेश्चन है 2012 का है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, इन अ सर्टेन टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट्स, इन अ सर्टेन टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट्स सम हैव 17 क्रोमोजोम्स, एंड Others have 18 chromosome, ठीक है other have 18 chromosome, क्लियर। अब क्वेश्चन है, the 17 and 18 chromosome, 17 and 18 chromosome bearing organism are, number one, बकवास कुछ, male and females respectively, सेकेंड फीमेल्स एंड मेल रेस्पेक्टिवली, थर्ड ऑल मेल्स, या डी नंबर हो जाएगा ऑल फीमेल्स, बता मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, ठीक है चलो। ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, लेफ्ट
अ पर्सन, ये लो के लिए ठीक है, अ पर्सन हैविंग जीनोटाइप आई ए आई बी क्लियर वुड शो द ब्लड ग्रुप एज ए बी, वुड शो द ब्लड ग्रुप एज ए बी ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ, बताओ पहला ऑप्शन। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलो ये हो गया ना, अच्छा बात। कितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 2016 में। चलो एक क्वेश्चन और है, द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन ठीक है, ये 2016 का है नीट फेज वन में। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, पहला ऑप्शन मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, बताते जाना है। मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन सेकेंड ऑप्शन है, थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडो थायरोक्सिन, थायरोनिन, थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडो थायरोनिन ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और फोर्थ है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। बता, चलो एक बात बताओ पहले, ये सारा हार्मोन का नाम है ठीक है, चलो मेलाटोनिन का क्या फंक्शन है, हैं स्किन, कौन बोला स्किन, सीरियसली ये स्किन बोल रहे हो तुम, बोलो बोलो, मेलानिन होता है स्किन, पिगमेंटेशन होता है, ये है मेलाटोनिन, बोलो ए सेरोटोनिन के बारे में जान रहे हो, बोलो। अच्छा ये तो जान रहे होगे, थायरोक्सिन ट्राइआइडोथायरोनिन T3 T4 वाला चीज है ये, चलो इतना। इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी जान रहे होगे, कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन भी जान रहे होगे, ADH जानते हो ठीक है, ADH जान रहे हो, चलो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट है कॉर्टिसोल का ठीक है, ADH कॉर्टिसोल का। अब बता मेलाटोनिन जो है और सेरोटोनिन, एक टर्म और आता है इसी तरह से मिलता जुलता, वो होता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या चीज होता है, एंटीकोगुलेटिंग, एंटीकोगुलेटिंग क्लियर। देखो ये जो है हमारा, ये भी उसी से रिलेटेड है, मतलब ये क्या चीज करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है ठीक है, वैसो डायलेटर वैसो कंस्ट्रिक्टर, वो क्या चीज करता है डायलेटर, और ये लेकिन ये जो है ना, ये हार्मोन है, ये ऐसा हार्मोन है जो पूरे स्लीप एक साइकिल को मेंटेन करता है तुम्हारा, समझ रहे हो, समझा। क्या था एनसीईआरटी में, एक वर्ड है कंट्रोल्स डायअर्नल रिदम कंट्रोल ऑफ द बॉडी, यही था ना वर्ड, मेलाटोनिन डायअर्नल रिदम कंट्रोल ऑफ द बॉडी, क्या चीज बोलते हैं, 24 आवर है ना, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है तुम्हारा मेलाटोनिन ठीक है, और मेलानिन वो स्किन पिगमेंटेशन है, पूरा का पूरा कहानी चेंज हो जाएगा ठीक है, क्लियर। और यहां पर पता चल रहा था क्या, ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, देना लास्ट में तुम लोग को बोता बताए थे ना कि वहां से क्वेश्चन पूछेगा है ना, तो वहीं से तो सारा मिल जाएगा आंसर ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा, हाँ पहला होगा मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, चलो बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन एमंग सिबलिंग ठीक है, नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन एमंग सिबलिंग,
चलो तुम लोग बताओ तो वेरिएशन एमंग सिबलिंग, पहला ऑप्शन बच्चे ऑप्शन देना जरूरी पड़ेगा क्या? ऑप्शन सुन लो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, थर्ड है लिंकेज और फोर्थ है म्यूटेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन एमंग सिबलिंग। क्लियर, वेरिएशन एमंग सिबलिंग, पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, सेकेंड ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, थर्ड ऑप्शन है लिंकेज और फोर्थ है हमारा म्यूटेशन। चलो क्या होगा, लिंकेज। देखना अभी स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ लो, क्या बोल रहा है बता, तुम्हारा आंसर क्या है? चलो कुछ सोच के बोले ही होगे, कुछ सोच के ही बोला होगा, है ना? चलो किस इसका आंसर है तुम्हारा क्या है, लिंकेज, है ना? लिंकेज, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो तुम लोग। दूसरा तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो, लिंकेज क्या चीज था, यहां पर क्या बोल रहा है, डू नॉट है, देख लो क्वेश्चन पढ़ लो, डू नॉट क्या चीज बोल रहा है, वेरिएशन नहीं ला रहा है ना? यहाँ पे चांसेस है लिंकेज में, अगर लिंकेज हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था, पॉसिबली क्रॉसिंग ओवर पे, पूरा पूरा कहानी लिंकेज का किस पे है, क्रॉसिंग ओवर का, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तब चांसेस है कि लिंक्ड कैरेक्टर जा साथ में जाए, है ना? लेकिन जब बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, प्योरिटी ऑफ गैमेट का, इंडिविजुअल का अपना दिखाने का औकात है ना, हर कोई अपने लिए लड़ेगा तब वहां पर ना नहीं दिखेगा, फिर तो वहां पर वेरिएशन कैसे दिख जाएगा फिर? क्लियर, तो आंसर क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था ये। चलो मैच द फॉलोइंग में अगर बात कर लें, ठीक है बताते जाना सिर्फ हम, ठीक ना? ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं पहले, चारों ऑप्शन आंसर बताते जाना। पहला ऑप्शन है, देखना इसका आंसर क्या होगा, पहला पढ़ रहे हैं, मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, क्या हो जाएगा बता, मेनी जीन गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर। चलो बोलो क्या बोली, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यही ना? ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन है हमारा, इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, कौन सा लोग फॉलो करेगा ये, डोमिनेंट। चलो इसका आंसर मिल गया। फिर है, इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ्स फुल्ली, बताओ क्या आंसर हो जाएगा, हैं? कोडोमिनेंट, शाबाश। ठीक है, लास्ट है हमारा, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर, अब बताओ, हैं? सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर्स, क्या चीज हो जाएगा? चलो वेरी गुड, शाबाश, हो गया आंसर। चलो रहने दो इसको। चलो ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म।